तहसील बरहज जनपद देवरिया स्थित सरयू तट पर निर्माण हो रहे मोहन सेतु में लापरवाही की वजह से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माण हो रहे पुल में लापरवाही और पुल में लगने वाले मटेरियल में खराब सीमेंट की मिलावट स्थानीय ग्रामीणों के कहे मुताबिक हो रही है। जब संवाददाता ने संबंधित अधिकारी सहायक अभियंता श्रीधर यादव से उनका पक्ष जानना चाहा, तो वह कैमरे के सामने अपना पक्ष देने से इनकार करते हुए संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इंजीनियर मैं हूं, खराब सीमेंट और खराब सरिया का कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। शासन इन सब बातों पर गौर करते हुए निर्माण हो रहे पुल में अच्छे मटेरियल लगाने एवं निर्माण कार्य में प्रगति के साथ करने का आदेश दे और पीपे पुल से आने जाने वाले जनता को जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से जल्द व्यवस्था करे ताकि आने वाले एक बहुत बड़े हादसे से बचा जा सके। मैं वाहिद अंसारी दफेस ऑफ इंडिया न्यूज से। आज मैं मोहन सेतु का निर्माण जहां हो रहा है, ये प्लांट लगे हुए हैं, मैं वहां आया हुआ हूं। जैसा कि लोगों ने बताया कि यहां पुराने सीमेंट की जो है यहां उसमें मिलावट करके और ये पुल के निर्माण में लगाया जा रहा है। आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेलिटी के लिए ये सीमेंट जो है ये लाया गया है और ये पिछले साल का ये सीमेंट है और इसमें भी स्टॉक में भी आपको मैं दिखा दूं कि ये जितना भी है ये पुराना सीमेंट है और इसी में नया भी है। तो लोगों ने जहां तक जानकारी दी कि इस मटेरियल को भी उसमें मिला के लगाया जा रहा है। और आइए मैं यहां के कुछ लोगों से मैं बात कराता हूं आपको। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे भैया? हम क्या कहेंगे, अभी तो देखने में यही लग रहा है कि पुराना स्टॉक पड़ा है जी। जैसे कि लोगों ने आपको जानकारी दिया कि शायद मिक्स करके इसमें मटेरियल में डाल रहे हैं जी, सीमेंट जी। तो जैसे कि एकदम से रूम के अंदर रखा गया है जी, तो ऐसे तो कोई भी आदमी यही कहेगा कि भाई मशीन के पास रखा गया तो इसमें कुछ हो सकता है गड़बड़ जी। तो सर इसके लिए हम ओपन तो कुछ नहीं कर सकते जी, मगर ऐसे लग रहा है कि ये डालने के ही लिए रखा गया है। अगर अगर जैसा कि अगर ये सीमेंट अगर खराब था तो इसको बाहर निकाल के फेंक देते, इस स्टॉक में वो भी नया वाला सीमेंट भी खराब हो जाता। बराबर सर, जब खराब सीमेंट में अच्छे सीमेंट डाले जाएंगे तो वो भी खराब हो जाएंगे जी। जब वो रिजेक्ट है तो उसको बाहर ही फेंक देना चाहिए ना सर। जैसे भले बाकी समय खुला रहा, अभी इसमें डाला गया रूम के अंदर, बारिश के मौसम में बाहर पड़ा रहा, अभी उसको क्या जरूरत है रूम के अंदर रखने के लिए, उसको रिजेक्ट करके फेंक देना ही चाहिए ना जी। आपका नाम? जी मेरा नाम धर्मेंद्र यादव। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कहाँ पे? धर्मपुर बिशुनपुर जरलाहा द्वार कुड़िया जी, हमारा मऊ जिला पड़ता है जी। जैसा कि सम्मानित व्यक्ति की बातों को आपने सुना और आप देख सकते हैं कि ये प्लांट ये जो है ये लगभग मोहन सेतु से 1 किलोमीटर दूर ये लगा हुआ है और यहीं से ये सारे मटेरियल तैयार होते हैं और मोहन सेतु तक जाते हैं और वहाँ निर्माण होता है। आइए मैं और यहाँ के कुछ सम्मानित नागरिकों से मैं आपकी बातचीत कराता हूँ। आइए मैं यहाँ के एक सम्मानित व्यक्ति से मैं आपकी बात कराता हूँ। तो आपका नाम क्या है? विश्वास कुमार यादव। आप कहाँ रहते हैं? धर्मपुर पिंटोलिया। तो इस पुल के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, जैसा कि ये काम कैसा चल रहा है? काम तो धीमा चल रहा है, काम तेजी में से नहीं चल रहा है जी। और सीमेंट जो है सीमेंट कम डाल रहे हैं मसाले जी। जैसा कि जानकारी मिला है कि ये पुराने सीमेंट को भी उसी में मिक्स करके मिलाया जाए। मिक्सर करके काम को कर रहे हैं। और ये प्लांट काफी दूर रखा गया है? हाँ, दूर रखा गया है। कुछ इसमें 3-5 कर रहे हैं, इसमें से मटेरियल गायब कर दे रहे हैं जी। ऐसा भी काम हो रहा है जी। घर भी लेकर जा रहे हैं, चोरी भी कर दे रहे हैं इसी में से। अच्छा, ये जो पट जो प्लेटें इधर उधर पुल पे सरक गई है अभी तक? अभी सही नहीं हुआ, अभी तक उसी तरह से जी। आए दिन बहुत दिक्कत हो रही है जी। आपके हिसाब से वो कैसा होना चाहिए? वो तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और डबल होना चाहिए जी। तो ये लगा है हाँ, तो ये 4-व्हीलर को निकलने के लिए बहुत दिक्कत समस्या हो रही है जी। 4-व्हीलर जा रही है तो रास्ते में खड़े हो जा रही है जी। फिर उसको धक्का लगा कर ऊपर आना पड़ रहा है जी। बहुत परेशानी है वहाँ पे।
जाने में बहुत दिक्कत है। यानी आपके हिसाब से ये जो पुल का काम भी हो रहा है तो ये बड़ा स्लो हो रहा है, और जो मटेरियल वगैरह भी जो मिलाया जा रहा है उसमें मिलावट करके ही मिलाया जा रहा है जी, बहुत गड़बड़ काम हो रहा है, धीमे धीमे एकदम काम कर रहे हैं, कोई एकदम स्लो हो रहा है काम जी। हाँ, उसमें कोई आप देख सकते हैं कि मोहन सेतु से ये रास्ता जो आता है, जो ये प्लांट लगा हुआ है 500 मीटर से भी कम पड़ेगा। और जहाँ तक मैं ये लोगों ने बताया कि पुराने मटेरियल का इस पुल में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आइए मैं यहाँ के एक सम्मानित व्यक्ति से मैं आपकी मैं बात कराता हूँ। आपका नाम? राम भवन। राम, और ग्राम कहाँ है आपका? परसिया देवार जी। तो इस मटेरियल के बारे में जैसा कि शिकायत मिल रहा है कि ये पुराने मटेरियल का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, इसके बारे में दो शब्द बताएं। पुराना मटेरियल जो बा उसमें खपाव डाल रहे हैं लोग, कैसे उसी में मिक्स कर रहे हैं लोग, आज जो काला गिट्टी से ढालना वाला है जी, तो वो लाल गिट्टी से ढाल रहे हैं लोग जी, तो इसे तो पुल कमजोर हो जाएगा काफी। उसके बाद जो जो एक ढाई एक मसाला से ढालना है जी, तो तीन एक चार एक मसाला ढालते हैं लोग जी। तो आपने इस चीज को देखा? हम देख ही रहे हैं, सामने है तो देख ही नहीं रहे जी। आपने यहाँ के सम्मानित व्यक्ति से की बात सुनी, और आइए मैं और यहाँ के लोगों से मैं बात कराता हूँ। सर, इस पुल के बारे में जो जैसा कि जानकारी दिया जा रहा है, इसके बारे में दो शब्द बताएं कि ये इसका कार्य कैसे चल रहा है? इसका कार्य बहुत स्लो चल रहा है, और पिछले सरकार की अपेक्षा बहुत स्लो चल रहा है। इसमें जो भी मटेरियल डाला जा रहा है एक्सपायर डेट का डाला जा रहा है, और जैसा कि लोगों ने बताया कि पुराने सीमेंट को वो मतलब प्लांट में मिक्स करके, वो प्लांट तो काफी दूर लगाया गया है, मिक्स करके इसको डाला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मिक्स करके डाला जा रहा है कि अभी पुल कमजोर पड़ जाएगा जी, जिससे नुकसान हो सकता है भारी जनता को जी। इन सब विषयों के बारे में जब स्थानीय संवाददाता ने मोहन सेतु पे कार्यरत सहायक अभियंता श्रीधर यादव से जब कैमरे के सामने आकर अपना वर्जन देने को कहा, तो उन्होंने वर्जन देने से साफ इनकार करते हुए ये बताया कि इंजीनियर मैं हूँ, हमसे भली भांति कोई नहीं जान सकता, खराब सीमेंट भी निर्माणाधीन पुल के कार्य में कहीं न कहीं इस्तेमाल में ली जा सकती है, जिसका साक्ष्य संवाददाता के पास मौजूद है। और उन्होंने अपने बातचीत के दौरान यह बताया कि खराब सरिया भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल में ली जा सकती है। तहसील बराज, जनपद देवरिया, द फेस ऑफ इंडिया न्यूज से वाहिद अंसारी की रिपोर्ट।